ओए होए 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 क्या बात है भाई, क्या गाड़ी बनाई है। मतलब आप दिमाग काम करना बंद कर देगा। मतलब यहाँ पर सोते रहो, यहाँ पर गर्मा गर्म खाना बनेगा। खाना बनाने के बाद 5 मिनट पैक करो, फिर आगे बढ़ो। चॉपिंग प्लेट भी आ गई। ग्रेट भाई ग्रेट। मतलब कोई सोच सकता है यार, इतने से सेटअप के अंदर डबल बर्नर का गैस स्टोव। रास्ते में गाड़ी चला, नींद आ गई तो आपने सो लिए। 6 फीट बाई 4 फुट का इसमें पूरा सा प्रोग्राम। ईमानदारी से बताना तीनों, आप आराम से आ जाते हैं? सर बहुत अच्छे से चलता फिरता घर हो गया। कैसा लगा पहली बार कार में सोने में? अब एक सस्पेंस खोल देते हैं, प्राइस क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक रिव्यू वीडियो में। भाई आपको पता है मैं बहुत कम रिव्यू करता हूँ, आज तक केवल 5 से 6 गाड़ियों का रिव्यू करा है। और रिव्यू करने का रीज़न ये रहता है कुछ डिफरेंट दिखता है ना। देखिए ऐसे सबकी गाड़ी अपने आप में स्पेशल है, लेकिन मुझे जो पर्सनली जो स्पेशल लगती है ना, जो आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए वो मैं आपको पास पहुँचाता हूँ। किया कैरेंस आपने नाम गाड़ी का सुना होगा, लग्जरी मोड में आती है, कोई उसमें कैंपिंग या ओवरलैंडिंग का सोच तक नहीं सकता। फैमिली गाड़ी के हिसाब से जानी जाती है। लेकिन हमारे एक भाई साहब है बद्दी हिमाचल से, भाई क्या गाड़ी बनाई है। मतलब आप दिमाग काम करना बंद कर देगा, मैं दिखाता हूँ। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सर से। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील दुबे है। सुशील जी दुबे फ्रॉम बद्दी हिमाचल। बद्दी। तो दोस्तों देखिए ये सर की किया कैरेंस है, और आई थिंक ये ज्यादा पुरानी नहीं है। सर अभी साल हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ। और आपको कैंपिंग करते कितना टाइम हो गया? सर कैंपिंग तो मैं ली कैंपिंग के लिए। बताओ, मतलब लोग जिसको लग्जरी एकदम फैमिली कार मानते हैं ना, वो सर ने ओवरलैंडिंग के हिसाब से कर दिया। तो मैंने कहा घूमने का शौक लग गया ना, जी तो जी जी, डिजायर को हटा के मैंने इसको घूमने के लिए लिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें स्पेशल क्या है। मतलब बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि यार इतनी महंगी कितने की आती है करीब? सर 14 लाख। 14-15 लाख के मतलब एक अच्छा अमाउंट होता है, डिसेंट अमाउंट होता है। वो नई गाड़ी खरीद के कौन यार कैंपर वैन में बनवाता है, ये तो पागलपन है। या वो है, बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि नहीं, इन्होंने जो दिमाग लगाया ना, मेन आपसे डिस्कस वो करना है और जिस कॉस्टिंग में कराया है, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए जी दिखाते हैं आपको। सर ये किचन का सेटअप है मेरा जी, जो कि मैंने खुद ही बनवाया हुआ है फैब्रिकेटर से। तो सर ने ये ओनली बूट स्पेस में ये चौड़ाई होगी मेरे ख्याल से 1 फुट 1.5 इंच 1 फुट मोटा मोटा मान लो, और यू होगा ये 3 फुट का है ना। तो 1 फुट देखिए यू डेप्थ है इसकी, और 3 फुट के आसपास ये है। मेटेरियल क्या यूज करा सर? सर MSA। MSA मतलब एक स्टील का रूप कह सकते हैं। 22 गेज की चद्दर है इसमें। 22 गेज की चद्दर है। तो दोस्तों बेसिकली जो अपने अलमारी वगैरह नहीं बनती घर में, शायद वही है ना? वही। मतलब और सबसे मेन चीज, चलो कॉस्टिंग आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दिमाग में यही आता है कि यार ये तो बड़ा महंगा सेटअप लग रहा है और आपने कैसे क्या बनवाया होगा। तो सर एक बार अब सबसे मेन पार्ट जो होता है ना कैंपर वैन का, वो होता है किचन सेटअप है ना। सोने का तो सर ने कर रखा है, खाने का बात करते हैं उसके बाद सोने की बात करेंगे। यहाँ से होता है हमारा, ये हमारी नोब लगी है, जैसे हम इसको ओपन। अच्छा लॉक लगा रखा है सर, ये देखिए लॉक खोलेंगे तो हमारा ये बॉक्स ऑटोमेटिक। ओए होए होए क्या बात है, पुश करने की जरूरत नहीं है, जैक लगा हुआ नीचे। एक चीज ने जो मेरा दिल खुश कर दिया है, देखिए कृष्णा जी की कितनी सुंदर पेंटिंग लगाई है सर ने। मतलब आध्यात्मिक एक साथ है, कैंपिंग के साथ स्पिरिचुअल माहौल बना रखा है। ठीक है जी, तो बताइए सर ये बात। ये देखिए हमारा कुछ सामान यहाँ रखे जाते हैं। वेरी गुड। चम्मच वगैरह हैं जो, ठीक है, कटलरी आइटम वगैरह सब हो गया। ठीक है, इसके ये हमारे 1 लीटर के बॉक्स हैं। ठीक है, कुछ भी सामान आप कुछ भी अपनी आवश्यकता के अनुसार, चीनी हो गया, घी हो गया, ठीक है, पोहा हो गया, दाल हो गई, ये कुछ बर्तन है। ठीक है, हमारा क्या बात है, जबकि एंटिक चाय की कैटली रख रखी सर ने। बिल्कुल, ये हमारा मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि ये इतना वो कंफर्टेबल चीज है कि इतने डेलिकेटेड चीज भी है ना, देख लो इसमें साबुत के साबुत पड़ी है, है ना। तो ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। ठीक है सर, अब इससे आते नीचे, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहला पार्ट तो ये ढक्कन खुला है इसका, और ये मेन इनका वर्किंग प्लेस आ गया। मतलब बड़े आइटम यहाँ पर रख रखे सर ने। इसके बाद आते हैं इसके नीचे वाले में। सर ये मतलब आप कृष्णा जी के भगत हो, इसका मतलब जी जी बहुत मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए ये चीज भी है ना, ये होती है कि दिल से बनाई ये चीज, जरूरत के लिए नहीं है, ये शौक के लिए बनाई है आपने। शौक के लिए सर। तो सर आते हैं अब नेक्स्ट रैक पे आपके। ये हमारा नीचे का बॉक्स है, ये हम इसको खोल पुश करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे बर्तन। क्या बात है। तो दोस्तों अभी ये 2 दिन से कैंपिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अस्तित्व दिख सकता है आपको 2-3 दिन से। बाकी बहुत ही सबसे ज्यादा है ना इनका तहजीब से वो सेटअप लगा मुझे, है ना। तो देखिए इसकी भी डेप्थ वही है 1 फुट के आसपास। सब तरह के बड़े बर्तन वगैरह है ना, आपकी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर। सर पानी का मैनेजमेंट हमारा यहाँ पर पंप लगता है। अच्छा, यहाँ पर आपका वाटर पंप लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है, तो वो वाटर पंप यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा सर, इसका वाटर सप्लाई कहाँ से करते हैं? सर पीछे टैंक रखते हैं हम अपने को ड्राइवर। चलिए वाटर मैनेजमेंट के अपन बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके ग्रोसरी आइटम आ गए। इस रैक में क्या है? इस रैक में सर हमारा गैस डबल बर्नर। वाह यार, मतलब कोई सोच सकता है यार इतने से सेटअप के अंदर डबल बर्नर का गैस स्टोव, मतलब पूरा अपने घर का किचन बना दिया। जी सर बहुत ही गजब। और इसमें डबल बर्नर का निकलने वाले एक चॉपिंग प्लेट भी निकलेगी, देखिए आप। क्या बात है। अरे सर देखिए, दिखा दीजिए, खुल जा सिम सिम। ये देखिए चॉपिंग प्लेट भी आ गई। ग्रेट भाई ग्रेट, ये तो सर धमाका कर दिया आपने। चॉपिंग प्लेट हमारी मैडम की थोड़े
ठीक है, यहाँ पे रखने की आराम से। चलिए अब आप साइड में हो जाइए, एक सेकंड के लिए मैं मैम का रिव्यू लूंगा। आप दिल से बताना आपको किचन में काम करके कैसा लगता है इसका? अच्छा, एकदम घर जैसी फीलिंग आती है। घर जैसी। अभी आप यहाँ पे दूसरा दिन आपको कैंपिंग करते हैं, मजा आया? अच्छा लग रहा है, आप लोग से मिलके ही बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि केवल ऑडियंस को कुछ करने के लिए बोल दो आप, है ना? बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों देखिए यार, मतलब इतना मजबूत है, स्ट्रेंथ में तो अपन सवाल उठा ही नहीं सकते। लकड़ी का फिर भी एक बार थोड़े टाइम बाद झूल जाएगा, लेकिन ये तो भाई MS का बन रखा है और दिखने में एकदम स्टडी लग रहा है। और सबसे मेन चीज, सर ने जो छाट छाट के इसमें एकदम एंटिक स्टाइल के एसेसरी है ना, देखो ये कितने, सर कहाँ से इसका बड़ी ये सब चीज है? नहीं सर, ये सर ये भी देखिए सर। अच्छा, ये गोपियाँ, आये हाँ, कृष्ण भगवान की गोपियाँ भी है भाई इधर, ये देखिए आप। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, कृष्णमय कर दिया आपने माहौल पूरा। हमारी लैंग्वेज में बोले तो आनंद परम आनंद। और बहुत इजीली बंद करना। हाँ वो तो देखिए, मतलब 5 सेकंड के अंदर आपका सेटअप खुल रहा है, और क्या चाहिए। तो गाइज आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला ये आ गया रैक, दूसरे रैक में के इनका गैस का आ गया, उसके नीचे इनका चॉपिंग बोर्ड या वर्किंग प्लेस आ गया, अपना रोटी अगर कुछ भी बनानी हो, उसके नीचे बर्तन की आ गई, यहाँ पर इनका वाटर पंप लग जाता है, या कुछ भी अपन मतलब अगर ड्रिंक वगैरह भी कर रहे तो वो भी रख सकते हैं, मतलब एक ट्रे का काम हो गया। उसके अलावा एक छोटा ये हो गया स्टोरेज, ये देखिए कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। और सबसे मेन चीज, गैस का पाइप सर कहाँ से जा रहा है इसमें? गैस सिलेंडर मेरी सीट के पीछे एक गैस 5 kg के सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे ये पाइप, वहाँ से पाइप आई है। अच्छा, हमें सिर्फ आगे करके ये पाइप को पुश करना। अच्छा ठीक है, अटैच कर लेता हूँ। अटैच करना, ओके, चालू हमारा, ठीक है। किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लगी आज तक आपको? नहीं सर, उसको जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो वहाँ पे बंद रखते हो? रेगुलेटर निकाल के, बंद नहीं, निकाल के करते हो? हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं, ओपन करके वहाँ से हटा के करता हूँ, ठीक है सर। तो दोस्तों ये तो हो गया इनका किचन वाला पार्ट। भाई इतना खाना खाने के बाद आएगी नींद, तो ठीक है सर, सोने का मैनेजमेंट आप बता दीजिए। अब आपने क्या कर रखा है सोने की? सर आइए, हमारे अंदर ही बेड बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, तीनों बड़े ही है एक तरह से देखा जाए तो। तो सर ईमानदारी से बताना, तीनों आप आराम से आ जाते हैं? सर बहुत अच्छे से। क्या साइज का आपने बेड सेटअप करा है? सर 4 फुट बाई 6 फुट। तो इससे पहले आपकी बात काटूंगा, तो आपका नाम बताइए। अंशिता। अंशिता जी, और आपका पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस है ये, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एंजॉय किया आपने? बहुत। ठीक है, कैसा लगा पहली बार कार में सोने में? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो चलिए सर अब बेड का सेटअप की बात करते हैं। हमारा बेड सेटअप है, सिलेंडर यहाँ रहता है, ठीक है, मैं उधर से आता हूँ एक बार। ये हमारा सर बेड का सेटअप है, 6 फुट बाई 4 फुट का इसमें पूरा सा प्रोग्राम बनता है, 6 बाई 4 का, है ना, 4 फुट चौड़ाई और 6 फुट लंबाई। और वैसे सर मैं साइड में देख रहा हूँ, जैसे हमारी एक्सयूवी में भी है ना, 3-4 इंच है ना दोनों तरफ एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो वो 4.5 ही मानी है। हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, 6-6 इंची का, 8-8 इंची का स्पेस अलग मिलता, अलग मिल जाता है। तो 3% आराम से सोते हैं, बिल्कुल, 3 बड़े सोते हैं, छोटे नहीं, बड़े, वो देख लिया मैंने, बिल्कुल बड़े सोते हैं। और पूरा ये SS के पाइप पे बना हुआ है। अच्छा, सीटें हमारी हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इससे ज्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है तो सर का चैनल का नाम बता दीजिए सर। कैंपिंग भारत 2। कैंपिंग भारत 2, तो स्क्रीन पर नाम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज सर को जाके सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इनको भी। तो सर अब आगे की बात करते हैं, ये देखिए एकदम क्वीन साइज बेड हो चुका है और 3 बड़े लोग आराम से ये कैंपिंग कर रहे हैं रात से। तो सर ये किचन सेटअप हटाने की जरूरत पड़ती है आपको रात? नहीं पड़ती है, तभी तो 6 फुट मिल रहा, नहीं तो 107.5 फुट मिलेगा। बताओ मतलब ये पोर्टेबल किचन सेटअप है सर। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इन केस कभी आपको 3-4 दिन के लिए किसी जगह कैंपिंग करनी है, इसको सीधा 2 जने उठा के बाहर रख सकते हैं आराम से, क्यों सर? जी बाहर रख सकते हैं, बाहर बैठ के खाना बनाइएगा आराम से सोइएगा। हाँ मतलब यहाँ पर सोते रहो, यहाँ पर गर्मा गर्म खाना बनेगा और यहाँ छोले भटूरे खाते रहो, और क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बेड का सेटअप हो गया, किचन का सेटअप हो गया, सर तीसरा सबसे मेन चीज है पावर मैनेजमेंट, कैसे करते हैं? पावर मैनेजमेंट हम घर से UPS बैटरियां चार्ज करके चलते हैं। वो कहाँ है उसका कनेक्शन? ये हमारी बैटरियां है UPS की चार। अच्छा तो सर ये लिथियम आयन है बैटरी? नहीं, कौन सी? नॉर्मल UPS बैटरी है, नॉर्मल UPS कबाड़ी से ली है। अच्छा जी सर, मैंने ये कबाड़ी से ली है। देखिए ये होता है क्रिएट, और UPS जो है ना हमारे को 2 UPS है, 1 UPS ये लगा हुआ है। अच्छा इधर, हाँ ये हमारा AC भी निकलता है और DC भी निकलता है। ये कंप्यूटर वाला जो UPS आता है वही है शायद? जी, तो सर ये कितना बैकअप देता है, कितने टाइम चल जाता है? चलेगा हमारे, अब देखिए 3-4 दिन हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा जी बिल्कुल, यार ये तो बढ़िया सही आइडिया दिया आपने। एक UPS ये लगा हुआ है, वेरी गुड, ये हम अगर बैटरी चाहे तो आपने कार चार्जर से भी चार्ज कर सकते। ओके, चलती गाड़ी में अपना लगा दीजिए उसका। अच्छा वो 12 वोल्ट में जो लगता है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर चार्जर आता है ना, वो लगा के अपना छोटी बैटरी चार्ज कर सकते डायरेक्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पावर मैनेजमेंट है। तो दोस्तों आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। वैसे हम लोग कार इन्वर्टर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हर गाड़ी में कुछ ना कुछ नया सेटअप देखने को मिलता है, हम भी इनसे सीखते हैं, ये भी हमसे सीखते हैं, ठीक है। तो सर कैंपिंग के आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मतलब कैसे क्या? कैंपिंग 2 साल पहले छोटी गाड़ी थी हमारे पास, डिजायर थी जी, तो डिजायर में छोटा सा बॉक्स लेके चलते थे, बहुत बढ़िया। और चलते चलते हमने चारधाम यात्रा उसी से की। क्या बात है, चारधाम यात्रा 15 दिन का टूर लगाया और वहां से लौट के आया तो थोड़ा सा मोटिफाई और मोटिवेशन मिला कि और अच्छा लगा। फिर इसके बाद नेपाल चले गए,
उसी गाड़ी से। क्या बात है। तो 10 दिन का टूर लगा के पिछले साल नेपाल हो गया है। जी जी, मार्च में नेपाल में थे हम लोग, होली में नेपाल में थे। होली के बाद जब नेपाल से आए तो फिर एक मन हुआ कि नहीं गाड़ी बदलते हैं, छोटी पड़ रही है। तो मैं ऐसी बस मार्च में हम लोग नेपाल गए और अप्रैल में हमने गाड़ी बदल दूसरी ली। बहुत बढ़िया सर। अभी साल नहीं हुआ गाड़ी का। जी जी, बाकायदा हम लोग बहुत अच्छे से इसको यूज कर। मेरे हिसाब से ये मैंने तो अभी तक यूट्यूब की बात करें तो पहली किया करेंस देखी है ऐसे इस तरह के कैंपर वैन सेटअप के साथ। क्यों? बहुत ही अच्छा सेटअप है। मतलब मोस्टली जो लकड़ी का बनाते हैं ना उसमें वजन भी ज्यादा होता है। अच्छा सर, अपन इसकी वजन की बात करते हैं। सर, इसका 26 या 27 इसका वजन है। बस बस सर, लकड़ी का अगर ये सेम सेटअप बनाते हैं तो दोस्तों 40 से 50 किलो आराम से जाता है। अच्छा सर, अब एक सस्पेंस खोल देते हैं, प्राइस क्या है? सर ये मैंने खुद ही बनवाया है एक कारपेंटर फैब्रिकेटर को पकड़ के। ठीक है सर, ये पूरा कॉस्ट मुझे 12,000 का पड़ा है। मजाक कर रहा हूँ आप सर? बिल्कुल 12,000, मैं मान ही नहीं सकता सर, 12,000 का पड़ा है। और अगर आप कहीं पे ही 12,000 का मिल नहीं सकता आपको पूरे इंडिया में। दोस्तों मानने में आ रही है, यहाँ पर तो सर मजाक कर रहे हैं। मतलब 12,000 रुपए में यार ये चीज मैं सच में मानने वाला सर मिलेगा नहीं आपको कहीं। 12,000 नहीं मिलेगा सर। सर 15,000 और 15,000 और सॉरी सर, मैं इतनी कैंपिंग कर चुका हूँ, 20 से 25,000 में मिनिमम इसकी कॉस्टिंग मान के चल रहा था अगर अपन रिटेल मार्केट में अगर लेने जाते। पहली बात तो मिलेगी नहीं चीज, 15 से 20 मिल रहे हैं। अच्छा, अभी बोल, अभी मेरे पास दो बंदे आए बोले 15 से 20 में मैं इसको आप बनवाओ मैं ले लूंगा। हाँ मतलब बंदे हमारे टाइप के बंदे अगर हाँ। पर रिटेल मार्केट की बात करें ना सर, ये 20-25 हज़ार से कम का आइटम नहीं, इससे नहीं कम मिलेगा क्योंकि वो 12 में क्यों बनाने वाला कोई है नहीं। मैंने तो मार्केट में उसको पकड़ पकड़ ओवर टाइम पे बनवाया। और जैसे आपकी ट्रिप हो जाती है उठा के बाहर रख देते हैं, घर में रख लेते हैं। अब मतलब ये चीज है ना, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि आपको कुछ भी परमानेंट सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। आप आपकी जो फैमिली गाड़ी है ना इसको आपके हिसाब से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के हिसाब से बनवा सकते हैं। क्यों जी? तो ये तो सस्पेंस खोल के गजब कर दिया सर ने। 12,000 20,000 से कहीं कम नहीं मिलेगा ऑल इंडिया में। 35,000 रुपए का कुछ बेच रहे कुछ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और डाउट क्लियर कर दूं। इससे पहले सर के और भी रिव्यू वीडियो है, उसके अंदर कॉस्टिंग में थोड़ा सा मेरे हिसाब से फर्क आ सकता है। उसका रीजन भी है, क्वालिटी का ही फर्क है। ये दूसरा सेटअप बनाया मैंने, मैंने अपने रेट को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया। हाँ, क्योंकि आपको लगा कि सर उसमें तो कम बता रहे थे, इसमें और बढ़ा दिया। 10 बड़ा था, 10,000 रुपए का था वो, 8,000 रुपए 12,000 का, क्योंकि इसमें इसकी इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। एक तो इसमें गेज बढ़ गया है, उसके अलावा जो इन्होंने ये एंटिक जो एसेसरीज लगाई ना दोस्तों, इसकी कॉस्टिंग आपको पता है एक एक पीस कितने का आता है। चैनल वगैरह वो हैटिक के कंपनी के। हाँ तो देखिए, अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो पहले वाले से इन्होंने और अपग्रेड करा है तो 15,000 बताया, 12 बताया सर, 12,000 का मुझे पड़ा है। हाँ, लेकिन आपको पड़ा है, लेकिन हर किसी को 12 का नहीं पड़ेगा। ये पड़े क्योंकि इसमें मेहनत मेरी लगी है। हाँ, क्योंकि सामने वाला मेहनत 5,000 मांगेगा तो भाई आपने आपका टाइम दिया तो वो इम्पोर्टेंट है। देखो चीज में ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 12,000 रुपए में ये भाई साहब अलादीन का चिराग आपको आपको तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप मेहनत करके अपने दिमाग से बनवाते हैं ना तो आप कुछ हद तक बना सकते हैं। 12-13 हज़ार का आपको उस बंदे को घर में पड़ेगा जो बनाएगा। ठीक है, अगर आप मार्केट में बनवाएंगे 15 से 20 हज़ार मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वाटर मैनेजमेंट की। देखिए, किचन का हो गया, सोने का हो गया, पावर मैनेजमेंट का हो गया, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैंपिंग में पानी का। तो सर आप बताइए इसके लिए क्या करते हैं? सर पानी के लिए हमें ये पंप लगाते हैं। ठीक है, ये कॉमन पंप आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ऑनलाइन, और बहुत सही चीज है ना। हालांकि हम यूज नहीं करते ये, लेकिन वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज़। और इसका जो कैन होती है ना, कैन हम अपनी ड्राइवर सीट को ड्राइवर ठीक है। तो ये आपने 15 लीटर का कितने का है? ये सर 15 लीटर का है। ठीक है, हमारा वहाँ से वायरिंग ये पाइप आता है। अच्छा, यहाँ वहाँ से यहाँ तक खींच लेता है? जी बिल्कुल। तो बहुत ही सीधा सिंपल सर ने कर रखा है। ये ड्राइवर सीट के जो को पैसेंजर होता है ना उसके पीछे वाली सीट पर ही आ जाता है, और डिटेल वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें कनेक्शन कर देते हैं। देखिए ये क्या है, भागा दौड़ी वाले काम नहीं है दोस्तों। अब जैसे 2 दिन के लिए स्टे कर लिया ना तो एक बार सेटअप लगाने में आधा घंटा लगता है, और रास्ते में हम अगर खाना बनाने कहीं जा रहे हैं जी, और हमें अगर खाना बनाना है तो हमें मात्र 5 मिनट लगता है इसको। वो तो देख लिया मैंने, बहुत कम टाइम में आपका ये। और खाना बनाने के बाद 5 मिनट पैक करो फिर आगे बढ़ जाओ। बस 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 बस, और कहीं 3-4 दिन फिर आप ओनिंग वगैरह लगा सकते हैं, आप पूरा मजा ले सकते हैं। बिल्कुल सर, चलता फिरता घर हो गया तो आपका। बिल्कुल, रास्ते में गाड़ी चला नींद आ गई तो आपने सो लिए। जी जी जी, सोने के बाद फिर उठे फिर चलाने लगे गाड़ी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर रहना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, इसके अलावा जाने की व्यवस्था, मतलब टॉयलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने जो दर्शकों को रहती है ना दोस्तों, एक बार फिर से सुन लो क्या रहती है हमारी। सर टॉयलेट की सबसे बड़ी समस्या रास्ते में रहती है, तो रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, हम अपना टॉयलेट टेंट खोलते हैं। जी, ये हमारा टॉयलेट टेंट है। ठीक है, और कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के। जी जी जी, जहाँ पर लोग परेशान ना हो, मिट्टी हो, उसको नीचे खड्डा खोदते हैं कम से कम 1 फुट का। जी, 1 फुट का खड्डा खोदने के बाद अपना पूरा जंगल का काम निपटाया। जी, निपटाने के बाद उसको फिल किया। जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें टॉयलेट नहीं मिलता, टॉयलेट नहीं मिलता तो, अगर टॉयलेट मिल जाता है तो हम उस टॉयलेट में ही जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको मैं कहानी का सार बताऊं, सर जो कहना चाह रहे हैं
कोशिश यही रहती है हम कैंपिंग या स्टे ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल टॉयलेट अवेलेबल हो, और वैसे कोई मना करता नहीं सर टॉयलेट के लिए, है ना, रास्ते में भी हो ही जाता है। और उसके अलावा जैसे अभी ये ऑफ बीट जगह है, हालांकि यहाँ पर हमारे दो टॉयलेट है, लेकिन इमरजेंसी के हिसाब से हमारा टॉयलेट टेंट हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि लेडीज भी साथ में रहती है और बहुत सही चीज़ है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही कम कॉस्टिंग में, आपने देखा होगा मैंने आज तक अभी ऐसी कोई भी गाड़ी का रिव्यू नहीं करा कि मतलब कोई उसमें अलग बात ना हो। इससे मोटिवेट होके, और ऐसा नहीं है आपके पास किया करेंसी हो, आप स्विफ्ट डिजायर में भी ऐसा सेटअप बना सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी गाड़ी में आप कार कैंपिंग कर सकते हैं जी। और बहुत ही, जैसे आप अगर रेगुलर ट्रेवलर है ना, तो आपके और आपको कुकिंग वगैरह का शौक है, परिवार के साथ यात्रा करते हैं, तो आपकी यात्रा बहुत ही बजट में और बहुत हेल्थीएस्ट वे में, बजट के साथ साथ आपको घर का खाना मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। सर के चैनल को एक बार अगेन सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा नेचर है सर का, और वीडियो मिलते रहेंगे बाकी की डिटेल। तो चलिए जी, जब तक के लिए अपना प्यार बना रखना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नहीं करा तो अभी तक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।